हम लोग भी कमोबेश देवता हो गए हैं। काहे? जैसे देवता लोग मान लेते हैं कि जो करना है वो भोले बाबा करेंगे, पितामह ब्रह्मा करेंगे, अथवा बड़का भगवान आएंगे तो करेंगे, वैसे हम लोग ये मान लिए। और खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की प्रजा, हम लोग क्या मानते हैं कि सब काम सरकार करेगी। हम क्या करेंगे? हम खाएंगे, नहाएंगे, सुतेंगे, हम अपने जिम्मे कोई काम, अरे काम छोड़िए, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट भी सरकार पहिराएगी। आए दिन लोग भरते हैं, गिरते हैं, चुटाते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल भी बिना हेलमेट के चलाते हैं। हम आते हैं 10-12 लोग रोज दिखते हैं। लिखा है कि अब एक नया ऐप आया है, नया ऐप हर पेट्रोल पंप पे वो लगने जा रहा है। क्या है? बिना हेलमेट जो आएगा मोटरसाइकिल में तेल नहीं भरा जाएगा। हमारे बाबू जो आपके परिवहन मंत्री हैं, मैंने कहा कुछ ऐसा करो भैया, ये छोटे छोटे बच्चों की जान चली जा रही है। अच्छा ये कौन बताएगा? सरकार हेलमेट जो पहुंचा देगी तब वो लोग नहीं पहरेंगे, हथवा में पहरे रहते हेलमेट हो, और कहीं पीछे मेहरारू है तो मेहरारू पकड़े रहती है हेलमेट हवा, आई पोपट राम गाड़ी चलाते रहते हैं। अरे भाई ये शरीर आप कहे, जब हम अपने रजिस्टर्ड दुश्मन हैं तो भगवान अवतार लेके क्या कर लेंगे हमारा? इतना विवेक रखिए, घर से चलिए और कुछ पहनिए चाहे न पहनिए, चाहे दिगंबरी रहिए लेकिन कपड़ा पर वो टोपिया पहने रहिए, ओके बंद करे रहिए। अतः थोड़ी के कलिया हमारे रहते को लड़का मोटरसाइकिल लेके गिर पड़ा, ये तो कहिए कि वो हेलमेट गड़िया में लगाया था, भगवान बचा दिए, नहीं तो जय जय सीता। मेरी आपसे प्रार्थना है सरकार के भरोसे कुछ नहीं करिए, सबसे बड़ी सरकार हम लोग स्वयं हैं। अरे हम बनाते हैं तब न सरकार बनती है। अनुशासन जीवन में उपस्थित किया जाए, विधि को माना जाए, विधि में जिया जाए, इससे सरकार पर दबाव कम पड़ता है। किसी पुलिस भाई को लगा करके सुरक्षा नहीं करानी पड़ती है। नियम मानने के लिए है, पालन करने के लिए, जीने के लिए बनाया गया है। कृपा करके अनुशासन में रहा जाए। मेरे राम जी का सिद्धांत है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने। भगवान कहते हैं जो विधि बनाई गई है, विधि में जो जीता है वो मेरा परम प्रियतम है, प्रियतम मम सोई। ब्रह्मा जी ने कहा धरती पर जाकर वन के नर बन जाइए, भगवान आए प्रतीक्षा करिए, हम भोले बाबा के साथ अवतार लेंगे। और अब कथा पहुंची श्री धाम अयोध्या, एक बार अयोध्या जी को प्रणाम करिए। श्री अयोध्या धाम की, मिथिला धाम की, सरयू मैया की। पावनपुरी अयोध्या में श्री चक्रवर्ती जी महाराज, दशरथ जी राजा, इसके पीछे भी बड़ी कथा है। चक्रवर्ती महाराज का नाम दशरथ क्यों पड़ा, इसकी पौराणिक कथा है, सुनेंगे आप। माँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा पातिव्रत धर्म का दिव्यता पूर्वक पालन करने वाली तीन माताएं, बड़ी अम्बा ने एक दिन आग्रह किया, प्रभु सब ऋणों से वृण हो गए, पितृ ऋण शेष रहा, गुरुदेव भगवान के चरण में चक्रवर्ती जी पधारे और निवेदन किया, हे प्रभु महारानी जी का ऐसा भाव है। गुरुदेव ने कहा राजन धैर्य धारण करिए, धर हो धीर होई हहि सुत। ऋषिशंख को गुरुदेव ने बुलाया, पुत्रष्टि यज्ञ भया। अग्नि नारायण भगवान चार अर्थात पायस लेके प्रत्यक्ष हुए, बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय हो। गुरुदेव को पायस मिला, चक्रवर्ती जी से कहा गुरु जी ने, हे राजन जैसे कहता हूँ वैसे बांटिए, पूरे का दो खंड करिए, एक भाग बड़ी रानी को, आधे का दो खंड
एक भाग कैकेयी जी को और पाप भाग का दो भाग करके दोनों देवियों के द्वारा सुमित्रा जी को दिलवाई गई। प्रसाद को निमित्त बनाकर प्रभु वंशों सहित माताओं के अंकों में आ गए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति मंदिर महु सब शोभा जत कछुक काल चल गय हो जहि प्रभु प्रगट सुअवसर जोग लग्न ग्रह वार तिथि जब सकल भय चरयर वचर हर्ष जुत राम जनम यह अवसर बिरंच जब जाना चले सकल सुर साजी सब देव चले महादेव चले ले ले फूलन के मोह विनते कर जब पहुंचे निज निज धाम जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोके